छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के कुनकरी से आने वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आज जन्मदिन है। 21 फरवरी 1964 को जन्मे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जन्म छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के बगिया गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता स्वर्गीय रामप्रसाद साय किसान थे। उनकी माता का नाम जसमनी देवी है। साय का विवाह 27 मई 1991 में कौशल्या साय से हुआ। उनका एक बेटा और दो बेटियां हैं। उन्होंने 10वीं तक की पढ़ाई कुनकुरी स्थित लोयोला हायल सेकेंडरी स्कूल से की है। विष्णुदेव साय का राजनीतिक करियर सरपंच के तौर पर शुरू हुआ, जहां वह बगिया गांव के निर्विरोध सरपंच चुने गए। राजनीतिक परिवार से आते हैं विष्णुदेव साय। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजनीतिक परिवार से आते हैं। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 4 बार सांसद, 2 बार विधायक, केंद्रीय राज्य मंत्री और 3 बार प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा उन्हें संगठन में काम करने का अच्छा खासा अनुभव है। भाजपा ने साल 2020 में विष्णुदेव साय को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस के आदिवासी नेता अजीत जोगी 1 नवंबर 2000 को राज्य के स्थापना होने के 3 साल तक पहला विधानसभा चुनाव होने तक प्रदेश के अंतरिम मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की गिनती संघ के करीबी नेताओं में भी होती है। वह पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के करीबी भी माने जाते हैं। साल 2014 में केंद्र में भाजपा की सरकार आने के बाद उन्हें केंद्रीय मंत्री भी बनाया गया था। बता दें कि राज्य में अजित जोगी के बाद कोई भी दूसरा आदिवासी समुदाय से मुख्यमंत्री नहीं बना था। सरपंच के तौर पर शुरू किया था अपना राजनीतिक करियर। विष्णुदेव साय ने साल 1990 में पहला विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की, जिसके बाद वे 1998 तक विधायक रहे। वहीं 1999 में उन्होंने पहला लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। विष्णुदेव साय साल 2004 में फिर से दोबारा सांसद चुने गए। विष्णुदेव साय को साल 2006 में छत्तीसगढ़ का भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। वहीं 2011 में वह दोबारा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। इसके बाद 2009 और 2014 में लोकसभा चुनाव लड़ा और फिर सांसद बने। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में उन्हें इस्पात और खनन मंत्रालय का दायित्व सौंपा गया। वे कांग्रेस सरकार